हेलो एवरीवन, और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडियो में बस स्टूडेंट जो कि फॉरेस्ट रेंजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा टेंशन देना चाहूंगा कि आप बेशक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो बीएससी नर्से हैं या फिर अदर देन बीएससी नर्से हैं, बट अगेन आपको सब्जेक्ट वही पढ़ने पड़ेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर। यू कैन सी द सिलेबस, यहाँ पे 30% वेटेज कंप्यूटर और हरियाणा जीके का है। ओके, जो रिलेटेड 70% सब्जेक्ट से है, इंट्रोडक्टरी बॉटनी, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देन क्रॉप इंप्रूवमेंट जिसमें सारे क्रॉप एग्रोनॉमिकल एज वेल एज हॉर्टिकल्चरल, इंट्रोडक्टरी बायोटेक, कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देन एग्रीकल्चर हेरिटेज जिसमें आपको एग्रीकल्चर हेरिटेज के बारे में जो एंशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी जिस टाइम पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी, मॉडर्न एरा तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, फिर एग्रोमेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पढ़ना है, लैंड ब्रिज सीवरेज क्या होते हैं, वेपर प्रेशर, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, वीड का मैनेजमेंट, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जियो इन्फॉर्मेटिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, रेनफेड एग्रीकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट नेमाटोलॉजी, इंटीग्रेटेड डिजीज का मैनेजमेंट, फील्ड क्रॉप एज वेल एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप उनका मैनेजमेंट, सोइल साइंस, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्रॉब्लमेटिक सोइल, सोइल प्लांट एंड वाटर टेस्टिंग, एंटोमोलॉजी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बेनिफिशियल इंसेक्ट, पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। यू कैन सी सिलेबस आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे एडवांटेज किसको है, एग्रीकल्चर कैंडिडेट को। बट अगर एग्रीकल्चर कैंडिडेट को एग्जाम देने का ही मौका ना मिला, बेसिकली इसको सेवन पोस्ट में, सेवन ग्रुप में डाला गया है एंड सारा सिलेबस दे दिया बीएससी एग्रीकल्चर के हिसाब से, नाम भी लिखा हुआ है एग्रीकल्चर पोस्ट, तो आपने यहाँ पे बाकी पोस्ट को क्यों अलाउ किया? देखो, मेरा किसी स्टूडेंट से ये नहीं है कि एग्रीकल्चर वालों एग्रीकल्चर के अलाउ क्यों अलाउ किया है, अलाउ कर सकते हैं बट सिलेबस तो उनके रेलिवेंस का है, ठीक है। एंड जो बाकी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का, आप सभी लग सकते हैं, बट तैयारी आपको इसी की करनी पड़ेगी, ठीक है। कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा कि हम तैयारी कर सकते हैं, तो करो यार तैयारी, बीएससी एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट आप पढ़ो एंड ये सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट का सारा कुछ पूछा जा रहा, फॉरेस्ट का कोई नाम भी नहीं, तो सारा का सारा रेलिवेंस एग्रीकल्चर के कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सो प्लीज सिलेबस के हिसाब से डिस्कशन करें एंड यू कैन चेक आउट अवर ऐप ऑल्सो, जहाँ पे ग्रुप नंबर 7 का भी बैच चल रहा है। आई विल अगेन रिक्वेस्ट है मेरी सभी से कि इन चीजों को अवॉइड करें कि एग्जाम में बैठने का मौका हमें दिया जाए, हमें नहीं दिया जाए। यार एग्जाम में आप आज तक कितने एग्जाम में बैठ चुके हो, ठीक है। एग्जाम ऐसे ही आएंगे, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जिस एग्जाम में बैठोगे उसको क्लियर करो, दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।